सत श्रीकाल, स्वागत तुसीं वेख रहे हो देश प्रदेश लाइव। तो मैं रणवीर सिंधु, मेरे नाल इस वक्त वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप जी ने। गलबात का विशा भावें वक् वक् देश होणगे पर मुद्दा वीज़ा लैण दा, मुद्दा सही कॉलेज दा, मुद्दा सही तरीके नाल पढ़न दा, वर्क परमिट लैण दा ते पीआर दा। चंगीआं भलीआं प्रोफाइल भी इस वक्त रिफ्यूज़ हो रही ने, कारण भी जाणांगे, नालों नाल असीं गल्लां करांगे। कैनेडा और आस्ट्रेलिया तो इलावा इस वक्त की ऑप्शन है स्टूडेंट्स के कोल। प्रदीप जी स्वागत तुहाडा, और शुरुआत करदे आं आपां कैनेडा तो। कैनेडा दे विच जिहड़ा एक रिफ्यूजल है वो बहुत अच्छी प्रोफाइल की आ जाती है, कई बार एवरेज प्रोफाइल में वीज़ा मिल रहा। तो ये बहुत सारे कंसल्टेंट नाल मेरी वार्तालाप होंदी रहिंदी है, पर एक मैं कहूँगा कि ठोस उत्तर साढ़े कोल नहीं है इस चीज़ का कि क्यों एक चंगी प्रोफाइल रिफ्यूज़ हो जाती है, क्यों एक बॉर्डरलाइन प्रोफाइल में वीज़ा मिल जाता है। देखिए, फर्स्टली तो सत श्री अकाल सबको, बहुत बढ़िया आपने एक क्वेश्चन किया है। आज की डेट में एक चंगी प्रोफाइल का रिफ्यूज़ल भी देखा है और एक एवरेज प्रोफाइल का वीज़ा भी है। सर देखिए, यहाँ पे जो हाई कमीशन है वो वीज़ा देने के लिए है। वो जितने भी कंट्री हैं, ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यूरोप, ये सारे के सारे इमिग्रेंट कंट्री हैं। मतलब इन कंट्रीज़ को इंटरनेशनल एजुकेशन से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, तो दे नीड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बट एक चंगी प्रोफाइल का वीज़ा ना आना कहीं ना कहीं बैड लक है स्टूडेंट का, कहीं ना कहीं उसके कंसल्टेंट की गलती है। अब होता क्या है कि एक स्टूडेंट की जो फाइल बना रहा है वो एक कंसल्टेंट बना रहा है। यहाँ हमारे स्टूडेंट अवेयर नहीं है जी। कोई भी स्टूडेंट अपनी एसओपी खुद तैयार नहीं करता, मैक्सिमम 99.99% एजेंट्स तैयार करते हैं, कंसल्टेंट तैयार करते हैं, उनका स्टाफ तैयार करता है। अब एक कंसल्टेंट क्या करता है, वो कॉपी पेस्ट मारता है। काउंसलर्स का काम है उसको शाम तक 2 SOP, 3 SOP, 5 SOP देनी है, तो कॉपी पेस्ट की तरफ जाते हैं। तो एसओपी का बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसी प्रोफाइल जो लो प्रोफाइल है उसका वीज़ा आना, मतलब कहीं ना कहीं उसकी एसओपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस पर वर्क हुआ है। एक कुछ कई पैरामीटर्स हैं वीज़ा लेने के लिए। आपकी एजुकेशन ऑलवेज मैटर करती है, कोई गैप तो नहीं है, गैप है तो गैप की एक्टिविटी, और जो आपका प्रोग्रेसिव और रिलीवेंट जो आगे जो आपका ऑफर लेटर है वो होना चाहिए। मतलब जो आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या यूके या यूएसए या यूरोप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, तो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या प्रीवियस जो आपकी एजुकेशन है उससे रिलेटेड आगे प्रोग्रेसिव आपका प्रोग्राम होना चाहिए। बात करती है कि फैमिली की इनकम, ये बहुत मैटर करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे अगर वर्क किया जाए तो वीज़ा लगता है। अब एसओपी एक मैटर करती है, आप क्वेश्चन लेंगे उसके बाद बात करते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, की सवाल जी। सत श्रीकाल जी। सर मैं ना प्रदीप सर तो पूछना थी, यूके दे विच सर मैं ना अपने बच्चे दे नाल फाइल लगा सकती हां? बच्चे दे नाल जी। प्रदीप जी देखिए मैम, आपको तो ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा, बल्कि आपके बेटे का वीज़ा आना भी होगा तब भी नहीं आएगा। आप पे पहले अपने बेटे को या बेटी जो भी है उसको भेजिए आगे। अगर 12th पास है तो बैचलर करने जाएगा, अगर बैचलर है तो मास्टर्स करने जाएगा, ठीक है। अब बाद में आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। हाँ, आपका बेटा अगर मैरिड है, ये मास्टर्स के लिए जा रहा है, तो इसकी जो डिपेंडेंट है, जो इसकी वाइफ है, जो इसकी स्पाउस है, इसके बच्चे हैं, वो जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। आप लेटर टूरिस्ट वीज़ा डाल सकते हो। प्रदीप जी मुड़के होने, तुसी एक मुद्दा चुकिया कि एक कंसल्टेंट आप सारिया फाइलों नहीं देख सकता, टारगेट दिता जाता है कि तुम अज SOP इनिया बनाया, इनिया देनिया, इनिया लिखनी है। एक हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है कि सारा कुछ होने के बावजूद अपना एक स्टूडेंट जोड़ा अपनी हिस्टरी है जी, चाहे परिवारक है, चाहे इकोनमी पॉइंट तो, चाहे वो एजुकेशन है, ठीक ढंग दस नहीं पा रहा है। यदा मतलब फाइल के कोई ना कोई प्रेजेंटेशन गड़बड़ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हूँ यदा हल्की है, मैं तो इनरोल हो गया, हूँ मैंने तो नहीं पता कौन SOP बना रहा है। देखिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलूँगा कि वो अपनी जो SOP है वो थोड़ी सी अपने लेवल पे तैयार करें। अब होता क्या है, एक स्टूडेंट की जो कन्विंसिंग पावर है वो हमें नहीं पता होती, स्टूडेंट को खुद पता होती है कि वो UK पढ़ने क्यों जा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहता है, वो US क्यों जाना चाहता है। रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन और पूरे ग्राउंड पर रह के वो इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, तो बच्चा बताए कि वो क्यों कन्विंस हुआ। अब इंडिया में जो एजुकेशन है और जो बाहर की एजुकेशन है वो डबल ट्रिपल महंगी है, तो बच्चा यहाँ सेम कोर्स अवेलेबल है, कनाडा से पढ़ना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया से पढ़ना चाहता है या किसी और कंट्री से पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है ये बताना पड़ेगा। तो आप अगर खुद नहीं लिख सकते तो प्लीज़ इसके बारे में डीप रिसर्च जरूर करें और अपने काउंसलर को बताएं कि भाई मैं
पर्टिकुलर इस कंट्री में क्यों पढ़ना चाहता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। उसके बाद जो आपकी काउंसलर है, SOP राइटर है, वो कहीं ना कहीं उसमें और चीज़ें बढ़ा के लिख सकती है, लेकिन कम से कम आपकी जो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, वो तो आपको ही देनी है। कुल मिला के घट्टो घट्टी अपनी स्टोरी दे के सेंटेंस शब्द अगे पीछे करना है, वक्री चीज है, भावना तो तुहाडी होनी चाहिए, फीलिंग तो तुहाडी। अच्छा, इहदे च कल्ला कसूरवार कंसलटेंट नहीं, मैनूं लगदा कितना कितना स्टूडेंट, मैं इस बात को पूरी कर लूं अगर आपको हो तो, क्योंकि ये बहुत बर्निंग टॉपिक है जो आपने छेड़ा है। एक पहली बात तो ये जो मैं बता चुका हूँ, ये आप सारी आपकी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, आपकी अपनी फीलिंग आपको खुद बतानी होगी। सेकेंडली, जो हाई कमीशन है वो देखना चाहता है कि बच्चे ने खुद कितने रिसर्च किए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे से कि भाई वो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में अप्लाई करें। अब इसका फ़ायदा क्या है, SOP में बच्चा जब लिखेगा तो वो बताएगा कि मैंने पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, इसमें भी किया था, इसमें भी किया था और इसमें भी किया था, और फाइनली मैं इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज कर रहा हूँ। इसके प्रमाण दे, प्रूफ दे बच्चा SOP में। थर्डली, जितनी भी कंट्री हैं उन कंट्री का फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, इसके अलावा वो लिंक्डइन पे भी है। ऐसे ही हर एक यूनिवर्सिटी का FB पेज भी है, इसके अलावा लिंक्डइन पे भी है, वो इंस्टा पे भी होंगे, और वो अदर जितने भी सोर्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उन सब पे भी होंगे। उन सब के चैनल को सब्सक्राइब करो सर। हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कंट्री टाइम टू टाइम कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। अगर बच्चा इन चीज़ों को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो SOP में लिखिए कि इस यूनिवर्सिटी का मैंने ये वेबिनार अटेंड किया था, इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में उन्होंने ये बात बताई थी, और इसलिए मैं इस बात से कन्विंस हूँ। वीजा ऑफिसर 200% सेटिस्फाई होगा सर जी, क्योंकि बच्चे ने रिसर्च कर रखे हैं। अगर बच्चे ने रिसर्च कर रखे हैं, उसका प्रूफ देगा, तो बच्चे का वीजा लगेगा। थर्डली, एक बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, चाहे वो MBA करने जा रहा है, चाहे वो IT करने जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल करने जा रहा है, आप जब इंडिया वापस आएंगे तो अपने SOP में लिखिए कि कौन कौन से जॉब पोर्टल हैं जिस पर मैंने जाके देखा है। आप वो जरूर लिखें कि SOP में कि जी व्हेन आई विल बी बैक टू इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, तो मेरे को इस कंपनी में जॉब लग सकती है और मैंने इस जॉब पोर्टल से ये फाइंड आउट किया है। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्री, हमारी जो इंडिया कंट्री है, इसमें स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और हजारों स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने चला रखी हैं। आप उन पे जाइए, फाइंड आउट करिए कि आने वाले टाइम में जब आप स्टडी कंप्लीट करके आओगे, इंडिया में वापस आओगे, तो इसकी क्या डिमांड होगी जी, उसका भी प्रूफ लगाइए। वीजा क्यों नहीं लगेगा, एम्बेसी बोलेगी इस बच्चे ने डीप रिसर्च कर रखे हैं, अगर आपकी एवरेज प्रोफाइल भी है यू विल गेट द वीजा। लेकिन बच्चा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा कोई भी किसी भी तरह का रिसर्च करता ही नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। वो फंड भी एजेंट से कराना चाहता है, वो SOP भी स्टूडेंट से बनवाना, अपने एजेंट से बनवाना चाहता है, वो कोर्स सिलेक्शन भी एजेंट से लेना चाहता है। अब भैया आप क्या करोगे, आप थोड़े से खुद डीप रिसर्च करेंगे, आपका वीजा लगेगा जी। कॉल लगाएंगे जिसके बाद कुछ और गल्ला करेंगे। हेलो और कब की पढ़ाई है कंप्लीट हुई आपकी? कब की पढ़ाई है सर, दोबारा बोलो जी। 21 की सर। आपकी प्रोफाइल अच्छी है, 6 बैंड नॉलेज देन 5.5 है, 74% मार्क्स है, आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले रखा है, तो आप आगे बैचलर के लिए जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बैचलर बिजनेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स है, तो आप बैचलर बिजनेस मैनेजमेंट करिए, वो आपको सूट करता है। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म भी कर सकते हैं अगर आप आर्ट के बच्चे हैं तो, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट भी आपको सूट करता है। आप अपकमिंग इनटेक जुलाई है, इसके बाद सितंबर अक्टूबर है, 6 बैंड है आपके। अब जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो तकरीबन $25,000 से लेकर $30,000 के बीच में है, तो 6 मंथ की ट्यूशन फीस, हेल्थ कवर, एम्बेसी फीस, ये सब मिला के आपका अप्रोक्स 8-10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथ साथ में आपको तकरीबन 27-30 लाख के फंड दिखाने हैं, और ये फंड आपके 3 महीने पुराने हों, अगर करंट के पैसे हैं तो सोर्स के साथ होने चाहिए। प्रदीप जी, मैं एक चीज़
थोड़ी जी जिवें कैनेडा दी डिस्कस कीती है ना आपां, मैं थोड़ी जी आस्ट्रेलिया दी भी डिस्कस करनी चाहना। आपां इधर एस ओ पी का नुक्श कढ़िया जां एक मुद्दा उठाया बहुत वधिया। आस्ट्रेलिया दे विच फंडां दी गल हुई, कल एक बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, बच्चा किसी कंसलटेंट को गया, उतों सानू कॉल की देश प्रदेश के रैफरेंस नाल, मैं जी फलाने को आया हाँ, ये मैंने राय दे रहे हैं। विद्यार्थी के परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं, विद्यार्थी लेटेस्ट पढ़ाया, विद्यार्थी के अपने फंड, अपने फंड। सो आस्ट्रेलिया च भी कुछ ना कुछ अजिहा गड़बड़ है, जिवें तुसीं इधर एस ओ पी की गल की है। एस ओ पी बहुत मैटर करती है सर, उधर भी बहुत ज्यादा, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा मैटर करती है। एस ओ पी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत मैटर करती है। अगर जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया वो सारे डीप रिसर्च करके किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई करना है, चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूके है, चाहे यूएस है, चाहे यूरोप है या न्यूजीलैंड है, ये डालेंगे तो आपके चांसेस हाई बनते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे अभी सर ने जो क्वेश्चन किया वो बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है आज की डेट में। पीछे अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया खुला बाद में था, उससे पहले बंद होने की कगार पर आ गया कि खासकर हरियाणा के फेक डॉक्यूमेंट पकड़े गए, और फेक डॉक्यूमेंट के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट लपेटे में आए हैं, उनके वीज़ा रिफ्यूज हुए हैं, जिनके वीज़े लगे थे उनको भी डिपोर्ट किया है। तो ये जो इनटेक थोड़ा सा स्लो ही चलेगा। हाँ, फ्यूचर में अगेन जैसे ये थोड़ा सा जो अभी टॉपिक उठा हुआ है, जो आज की डेट में बर्निंग टॉपिक है, जब तक ये थोड़ा सा शांत नहीं होगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग है कमिंग मंडे की चंडीगढ़ में, तो ऑस्ट्रेलिया और हाई कमीशन आ रही है, मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पे। हमने अपने पर्सनल सजेशन देने हैं कि किस तरीके से क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया अच्छे लेवल पे दोबारा उठ सकता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेट्स सी वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती है नहीं होती, लेकिन हम ट्राई करेंगे गवर्नमेंट को समझाने की किस तरीके से ये चीज़ आगे बढ़े। जी हाँ जी, की सवाल है जी? नमस्ते सर, मैं करनाल से बात कर रही हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। मैंने कनाडा के रिगार्डिंग पूछना है। पूछो जी, पूछो जी। मैंने बीए किया 2018 में, और उसके बाद मेरे पास एक्सपीरियंस है जी। तो मुझे कितना बैंड स्कोर रिक्वायर्ड है? प्रदीप जी, जी आपको 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 लेने होंगे। इन्होंने स्कोर ही पूछा ना, क्या स्कोर चाहिए? 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 आपको लेने होंगे। पीजी डिप्लोमा में आपका एडमिशन हो जाएगा। 2018 बीए के बाद आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका बहुत पॉजिटिव प्रोफाइल है। सितंबर इनटेक आपको मिल जाएगा। अगर मैं खर्चे की बात करूं, 9 से 10 लाख रुपए ट्यूशन फीस है, साथ में जीआईसी $10,200 हो जाएगा। इसके अलावा एम्बेसी फीस प्लस बायोमेट्रिक फीस प्लस में क्या नाम है मेडिकल, ये सब मिला के आपका तकरीबन 16 से 17 लाख रुपया खर्चा आएगा, जिसमें से आपका जो जीआईसी वाला पैसा है $10,200, ये आपको वहाँ जाने के बाद वापस मिल जाएगा। इसमें से $10,000 आपका अपना है, $200 बैंक के चार्जेस हैं, $10,000 आपको वापस मिल जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज 17 लाख रुपया खर्चा है, सितंबर इनटेक है, पॉजिटिव प्रोफाइल है। प्रदीप जी दस्यो माड़ा जा, कैनेडा ऑस्ट्रेलिया तो अलावा केड़ा मुद्दा डिस्कस करिए इस वक्त जिन्होंने जी वीजा देने हैं? यूके की बात कर सकते हैं आप, यूएस की बात कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं जर्मनी की यहाँ बात करना चाहूंगा। अभी आपके चैनल पे आने से पहले मैं यूनिवर्सिटी के डेलीगेट से मिलकर आया हूँ। लैंकास्टर यूनिवर्सिटी है, यूके की यूनिवर्सिटी है, इनका कैंपस जर्मनी में भी है। तो मैं चाहूंगा कि अगर जर्मनी में आप जाना चाहते हैं, मास्टर में अभी सीट्स अवेलेबल हैं, इवन के बैचलर्स में भी अवेलेबल है। साथ साथ में जो अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, मास्टर्स की अपॉइंटमेंट इजीली मिल रही है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो जर्मनी जाना चाहते हैं, लैनकास्टर यूनिवर्सिटी को वेस्टर्न ओवरसीज रिप्रेजेंट करता है, वी आर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो आप अगर बैचलर कर रखिए तो मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। एमएससी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये कर सकते हैं। 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है, आपको हो गया 7 बैंड? हाँ यस, 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है। ट्यूशन फीस भी तकरीबन 18 से 20 हज़ार यूरो है। जो बच्चा वास्तव में करियर बनाना चाहता है, जर्मनी एक सुपर पावर है, ठीक है, और जर्मनी पूरे यूरोप में सबसे टॉप पे है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको 18 मंथ का स्टे बैक है, और आपको यूके की डिग्री मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त आपका करियर होगा। इसके अलावा इनके पास प्री मास्टर है बिजनेस में, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बैचलर की बात करें तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूँगा, इन्वाइट करना चाहूँगा, जिन्होंने ट्वेल्थ कर रखी है और बैचलर कर रखी है। तो लैनकास्टर यूनिवर्सिटी का जर्मनी कैंपस वेस्टर्न ओवरसीज रिप्रेजेंट करता है। आप अगर मास्टर्स और बैचलर करना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आ सकते हैं जी। कुछ और गल्ला करेंगे उस तो पहले कॉल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, की सवाल है जी? सर मैं यूके जाना चाहता हूँ जी। सर मैं बीटेक की थी 2020 जी, 60% मार्क्स थे। तो बाद जी आई थिंक पीटीएम कैंसिल, तो 6 बैंड है, तो 65 मतलब जी।
प्रदीप जी ठीक है जी, आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप की मास्टर है, एक मास्टर 1 ईयर की है, एक मास्टर 2 ईयर की है। जो 1 ईयर की है वो कोर्स वर्क के साथ है, और जो 2 ईयर की मास्टर है तो वो प्लेसमेंट के साथ है जी। और 6 बैंड नॉलेज देन 5.5 आप परफेक्ट आपका स्कोर है। कुछ यूनिवर्सिटी को 6.5 बैंड नॉलेज देन 5.5 चाहिए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी 6 बैंड नॉलेज देन 5.5 पे एडमिशन देती हैं। सितंबर इनटेक के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा। वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आप आइए, आपका वीज़ा लग जाएगा। यहाँ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, 6 बैंड है आप आराम से कर लेंगे। सेकंडली वेस्टर्न ओवरसीज की टीम आपकी हेल्प करेगी इंटरव्यू क्रैक करने में। यहाँ आपकी जो फीस रहेगी वो 12 से 14 हज़ार यूरो रहेगी, पाउंड सॉरी 12 हज़ार से 14 हज़ार पाउंड रहेगी। इसमें से आप 70% आप पे कर सकते हैं, साथ साथ में 17-18 लाख के फंड आपको दिखाने हैं। और ये जो फंड है ये 28 डेज ओल्ड होने चाहिए, इन द मोड ऑफ FD या सेविंग। एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो वो आपका करंट का चल जाएगा। आपके पेरेंट्स मतलब फादर और मदर भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर फादर मदर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप अपने अकाउंट में डाल लीजिए। जिस दिन 28 दिन पुराने हो जाएंगे उसके बाद ये फंड यूनिवर्सिटी के साथ शेयर होंगे, और उसके बाद आप अपना क्या नाम है आपका कैश लेटर आएगा, देन आपकी फाइल लॉन्च होगी, आपका वीजा आ जाएगा जी। प्रदीप जी कॉल लगाऊंगा उसके बाद दो सवाल हो रहे हैं। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, की सवाल जी? सर मैं ना BBA की हुई है 2018 जी। आफ्टर दैट तो मैंने बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, प्राइवेट बैंक से जॉब करती हुई है जी। तो आईएस तो बोले 6 बैंड है, तो सर मैं पूछना चाहती थी कि यूरोप से कितने बन सकते हो जर्मनी जी? प्रदीप जी आपने BBA किया है तो आप MBA के लिए जा सकते हैं मैम। और जर्मनी में हम कुछ यूनिवर्सिटीज के टॉप रिक्रूटर हैं, तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं। इसमें आपकी जो फीस रहेगी तकरीबन 12 से 14 हज़ार यूरो फीस है, इससे कम की भी यूनिवर्सिटी हमारे पास है। तो यहाँ पे आप 3 से 5 हज़ार यूरो पे करके जा सकते हो, साथ साथ में आपका ब्लॉक अकाउंट खुलेगा। जैसे कि अपना कनाडा में GIC आपने पे करना है, ऐसे ही यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट खुलेगा और उसमें फंड ट्रांसफर होने बेसिकली जी जी आपकी लिविंग कॉस्ट के पैसे वहाँ ट्रांसफर होने हैं। बहुत पॉजिटिव प्रोफाइल है, वीज़ा लग जाएगा जी। अगले कॉल जी। सत श्री अकाल। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी, की सवाल है? सर मैं ना मास्टर्स कितनी हुई है जी। हाँ जी, तो मैं पूछ रही थी कि मैं दोबारा मास्टर्स कर सकती हूँ जर्मनी? मास्टर किस में की है आपने? पहला केडी मास्टर्स रही थी? मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर तो आप कौन से कंट्री में जाना चाहते हैं? जर्मनी जी। हाँ आप दोबारा मास्टर कर सकते हैं, सेम फील्ड में कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको MBA ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। क्योंकि जब आपको यूनिवर्सिटी को और एम्बेसी को सेटिस्फाई करना है तो अगर सेम मास्टर करते हो तो कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर सोचता है कि ये बच्चा तो एंट्री करना चाहता है, ऑलरेडी एक मास्टर सेम फील्ड में कर रखी है। तो आप बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जाइए, उसमें आप SOP में स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में आपको बताना होगा कि आप MBA क्यों करना चाहते हैं। मैनेजमेंट है, सीधी सी बात, आप अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या आपको टेक्निकल, जैसे आपने MSc IT कर रखी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है, लेकिन आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, दैट्स द रीज़न आप अपने ही फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि जब एक आप टॉप लेवल पर जाएंगे तो आपको कुछ लोग भी, कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैंडल करने हैं, हैंडल करने के लिए आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, या अपना बिजनेस ओपन करना है तब भी आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। तो इस बेस पे आप अपनी SOP में लिखेंगे, आप मास्टर्स प्रोग्राम MBA प्रोग्राम में आपका वीजा लग जाएगा। 1.5 मिनट का समय बचा जी, कॉल बज रही है पर कॉल नहीं लवेंगे। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त उठावेंगे जी, कैनेडा तो रिफ्यूज़ होया विद्यार्थी या आस्ट्रेलिया तो रिफ्यूज़ होया विद्यार्थी, किन्नी को उम्मीदा रखे? आस्ट्रेलिया तो मैं लगता बहुत घट चांस होने के दोबारा आस्ट्रेलिया तो वीज़ा मिले। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हो दोबारा ऑस्ट्रेलिया लगाओगे तो लेस चांसेस है, क्योंकि यूनिवर्सिटी दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हो किसी और कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कैनेडा है, चाहे वो US है, चाहे UK है, चाहे यूरोप है, हर एक कंट्रीज में आप फाइल लगा सकते हैं। अगर यही बात हम कनाडा की बात करें, कनाडा में एक बार रिफ्यूज़ हो या 10 बार रिफ्यूज़ हो, आप कनाडा दोबारा भी लगा सकते हो और वीज़ा भी ले सकते हो। इसके अलावा कनाडा अगर आप नहीं जाना चाहते तो रेस्ट किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करिए, आपका वीज़ा लग जाएगा। बट कीप इन माइंड वेरिएशन ऑफ कंडीशंस हमेशा मैटर करती है। वेरिएशन ऑफ कंडीशंस का मतलब ये है कि भाई साहब अगर आपकी प्रोफाइल लो है किसी न किसी कारण से, लाइक आपके पास फंड कम है तो फंड बढ़ा लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न आपकी लो है तो उसको बढ़ा लीजिए, आपका बैंड स्कोर कम है तो उसको बढ़ा लीजिए, गैप है तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस अपना क्या नाम है कोई ना कोई जॉब पकड़ लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें होती है वेरिएशन ऑफ कंडीशन। उसमें जब फाइल लगाएंगे आइदर इन सेम कंट्री आइदर इन अदर अनदर कंट्री, देर विल बी द हाई चांसेस फॉर गेटिंग द वीज़ा।
शुक्रिया जी जी स्टूडियो दे विच आए दर्शकों का धन्यवाद तुसीं सानू कॉल कीती तुहाडे पुछे सवाल के आधार पर बहुत सारे बच्चों तक मैसेज आता है अज बहुत वधिया गल जिहड़ी प्रदीप जी ने की है कि फाइल नूं सुट के चले जाने जिवें किसान कहिंदा ना फसल मंडी च सिट्टी है 6 महीने पाल के सिटना नहीं उहनूं आपां सेल करना है बेचना है इस तरह जो आपां जिंदगी च कमाया जो माँ बाप ने पैसे कमाए तुसीं अपनी एजुकेशन कमाई उहदे सिर दे उपर आपां विदेश जाना पढ़ना पक्के होना कामयाब होना कागज़ सिट के घर सो ना जाया करो और फोन ना करया करो वार वार कंसलटेंट नूं की बनाया जी वीज़ा आ गया नहीं आ गया ऑफर आ गई आप इन टच रहो दफ्तर गेड़े मारो पुछो की प्रोफाइल की स्टेटस है की लिख रहे हो ये की भर रहे हो मैनू भी दसो एक कापी रखो थोड़ी जी जागरूकता तुहानूं भी लियानी पऊगी इस तरह नहीं है कि जी सारा कुछ ही उन्हें करना है पढ़े तुसीं तुहानूं पता है कोर्स कि अच्छा है कॉलेज कि अच्छा है एरिया कि अच्छा है एस ओ पी की लिखना है जदों तक मदद नहीं करोगे उदों तक व्डिया फाइलों की रिजैक्शन जी इस तरह निरंतर जारी रहेगी। सत श्री अकाल स्वागत।